SBI ने अपने बैंकिंग कार्यों के समय में परिवर्तन किया है, जिसके संबंध में SBI के DGM PC बरोड ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर SBI में बैंकिंग कार्य 22 अप्रैल से 31 मई तक 10 बजे से 2 बजे तक हो रहा था। उन्होंने बताया कि नए आदेश के अनुसार 1 जून से सभी बैंकिंग कार्य के समय को परिवर्तित करके 10 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों के लिए अब बैंक 10 से 4 बजे तक बैंकिंग कार्य होगा। DGM ने बताया कि बैंकों में 50% स्टाफ के साथ ही कार्य होगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने ग्राहकों से अनुरोध करते हुए कहा है कि अभी कोरोना से संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है, ग्राहक जहां तक संभव हो डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता दें और घर बैठे SBI ऐप योनो के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग करें, जिसमें लगभग सभी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SBI के DGM PC बरोड ने कहा, जो कोविड पैंडेमिक है उसको देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो बैंकिंग टाइमिंग है वो 10 से 2 रहेगी पब्लिक के लिए और लिमिटेड सर्विसेज देंगी। लेकिन अभी जो पैंडेमिक है ये कंट्रोल में है, हम सब ने बहुत ही होशियारी से और बहुत ही सजगता से जो मास्क का प्रयोग किया है, सैनिटाइज किया है, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, उसके कारण से अभी स्थिति में बहुत सुधार है। इसके लिए आज से 1 जून से सभी बैंकों में जो बैंकिंग है वो नॉर्मल तरीके से कामकाज करेगी और 10 से जो 4 है वो पब्लिक के लिए खुला रहेगा और बैंक जो है 10 से 5 हमेशा की भांति आज से काम करेंगे। सर, ये पूरी क्षमता के साथ रहेंगे कर्मचारी? ये जो सारी बैंकिंग सुविधाएं जो हैं वो नॉर्मल तरीके से सभी को दी जाएंगी और बैंक जो हैं अपनी पूरी कैपेसिटी पूरी क्षमता से काम करेंगे। यस ऑफ कोर्स, जहां कहीं पे भी अगर कोविड के कारण से कोरोना के कारण से कुछ स्टाफ है तो हमें उस ढंग से उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। लोगों किन किन नियमों का पालन करना होगा बैंक में? बैंक में आने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है वो डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स का उपयोग और मास्क जरूर काम में लें। और दूसरी सभी से ये एक अपील है, एक गुजारिश है कि जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप अपनी शाखा में ना जाएं, डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करें। डिजिटल बैंकिंग जो है आपकी सारी बैंकिंग की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, वो पूरी करने में सक्षम है। और अगर कैश विड्रॉ करना है तो आप डेफिनेटली ATMs का यूज़ करें।